करने का मुख्य वजह यह है कि हमारा आज डेट था कोर्ट में, तो जिस दौरान मैं कोरोना को लेकर के मैं निकला हुआ था कार्यक्रम में, और पार्टी कार्यालय भी मेरा कार्यक्रम चला था, तो उसी दौरान हमारे जो धर्मेंद्र जी हैं जो हमारा सारा चीज़ हैंडल कर रहे हैं, तो इन्होंने फ़ोन किया कि सर ऐसी ऐसी घटना हुई है कोर्ट के बाहर, कि मैं आ रहा था कोर्ट से, निकल रहा था बाहर अपने दोस्तों से बात करके, तो कोई एक अपराधी छवि के तीन लोग थे अपराधी छवि के, और जिसमें कि एक आदमी पिस्टल लिए हुए था हाथ में, पिस्टल लेकर के कमर में, इनको बोला कि तुम केस वापस ले लो और जो तेज प्रताप के साथ रहेगा उसको बम गोली से उड़ा देंगे। तो ये पूरे तरीके से ये हताश हो चुके हैं, पूरी तरीके से परेशान हैं, और हर एक चीज़ों में ये लोग हार रहे हैं। कौन आखिर कौन है ये लोग जिनसे हमारी लड़ाई चल रही है? चंद्रिका राय। और कौन होंगे, और कौन हो सकते हैं? और वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमने फ़ोन करके धमकी दिया। अगर हम फ़ोन करके धमकी दिए हैं तो वो हमारा एविडेंस निकाले, वो रिकॉर्डिंग निकाले, थाना में दें, थाना उस पर कार्रवाई करेगा, हमारा नंबर है। तो इस तरीके का हड़बड़ा ये लोग अपना लिए हैं, एकदम निचला हरकत पे ये लोग उतर गए हैं, निचता पे एकदम आ गए हैं। तो ये हम सरकार से भी मांग करते हैं कि इन लोगों के ऊपर और जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई का हम मांग करना चाहते हैं। और इनके ऊपर धमकी आया, इनको जान से मारने की धमकी दिया गया, तो इन्होंने भी सनद दर्ज कराया और अभी SSP से भी ये मिलने के लिए जा रहे हैं, FIR करने जा रहे हैं, जो भी साथ देगा। और वो उन्होंने बोला है, इनको बोला उन्होंने कि तेज प्रताप का जो साथ देगा, जो भी व्यक्ति तेज प्रताप का साथ देगा उसको हम बम और गोली से उड़ा देंगे। ये हड़बड़ा ही लोगों ने अपना बात कौन बोल रहे हैं से नाम वापस ले लो, ये उनके जो गुंडे हैं, जो भेजे हुए जो गुंडे हैं, आइडेंटिफाई किए इन्होंने? नहीं। किसके साथ थे वो लोग जो आपको धमकी दे रहे थे? आज कोर्ट में माननीय पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप जी का सुनवाई था। सुनवाई खत्म होने के बाद जैसे ही मैं कोर्ट परिसर से बाहर निकला तो निजी एक मोटरसाइकिल स्टैंड है वहाँ पे खड़ा होकर अपने मित्रों के साथ बातचीत कर रहा था, तभी एक व्यक्ति आया और वो बंदूक कमर में सटाकर बोला कि तेज प्रताप का जो केस चल रहा है उसमें तुमको साथ देने का ज़रूरत नहीं है, नहीं तो तुमको गोली मार देंगे, और अगर गवाही देने आओगे तो बम से उड़ा दिए जाओगे, और तेज प्रताप का जो भी साथ देगा उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। इस तरह का अगर बोला तो फिर दिमाग सन रह गया, लेकिन फिर ऐसा लगा कि आसपास के लोगों को बोलना चाहिए और इसको पकड़ना चाहिए। फिर मैंने चोर चोर हल्ला किया तो आसपास के लोग उसको पकड़ने का प्रयास किए, लेकिन वो आगे में 3-4 मोटरसाइकिल भी लगा हुआ था जिस पे वो बैठकर फरार हो गया, पकड़ा नहीं सका। अभी आपने देखा वो कौन लोग? हाँ, एक व्यक्ति को तो मैं पहचान जाऊंगा जो मेरे एकदम नज़दीक में आया था पिस्टल सटाने के लिए, वो 19 से 20 साल का युवक रहा होगा, ब्लू लाल रंग डीप रेड कलर का टी शर्ट पहने हुए था और ब्लू रंग का जीन्स का पैंट। नाम से तो नहीं पहचान सकता हूँ, लेकिन अगर दिखाएंगे पुलिस पकड़ कर लाएगी तो तुरंत पहचान जाऊँगा। पूरी वारदात कहाँ हुई? पूरी वारदात सिविल कोर्ट के बाहर जो सेंट जोसेफ वाला गेट है वहाँ पे साइकिल स्टैंड है, मोटरसाइकिल स्टैंड है, वहीं पे हुआ है। वहाँ से हम लोगों ने तीन की संख्या में थे, एकदम नज़दीक में आया, दो थोड़ा दूर में था। FIR किया हम लोगों ने जाकर फिर बोहर थाना में, अभी उन्होंने सनह दर्ज किया है, लेकिन FIR के लिए अभी वहाँ जा रहे हैं। नेम्ड FIR या अज्ञात के खिलाफ? अज्ञात के खिलाफ।